तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर कुलदीप सिंह यादव एंड एमबीबीएस डॉक्टर एंड अ कोविड वॉरियर। ये वीडियो सारे एफएमजी डॉक्टर्स यानी कि फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि 23 अप्रैल यानी कि कल ही एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे एक ड्राफ्ट अपलोड किया है। इस ड्राफ्ट को देख के सारे एफएमजी डॉक्टर्स, वो चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे लास्ट ईयर का हो, सारे हैरान हो गए हैं और परेशान हो गए हैं। काफ़ी सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए और टेलीग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आए कि ये ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं ये जो एनएमसी ने अपनी साइट पे ड्राफ्ट अपलोड किया है वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है, वो डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये एक ड्राफ्ट है, कोई डिसीजन नहीं है। इस पे अभी थोड़े विचार विमर्श हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह ली जा सकती है। अगर इसमें पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं तो फिर इसको रद्द भी किया जा सकता है। तो जो ड्राफ्ट नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने अपलोड किया है वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ। सबसे पहले ये एक पब्लिक नोटिस है, इसको 23 अप्रैल को रिलीज किया गया है। इसका जो पहला पॉइंट है, दिस रेगुलेशन मे बी कॉल्ड द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशंस 2021। दे शैल कम इन टू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। इसका मतलब इसको अब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशंस 2021 के अंडर कंसिडर किया जाएगा और ये जब ऑफिशियल नोटिस आएगी तब से ये लागू हो जाएगा। पॉइंट नंबर टू में डेफिनेशन दी है एफएमजी की। अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट is the one who has acquired primary medical qualification in modern system of medicine in a country other than India। मतलब FMG का मतलब क्या होता है कि उसने उसका primary medical यानी कि MBBS India के सिवा कोई भी बाहर की country से किया हो। Point number 3 क्या कहता है, eligibility criteria for licensing to practice in India। No person shall allowed to obtain license for practice in medicine in India unless a person fulfills the following criteria। मतलब उन्होंने नीचे के क्राइटेरिया दिए हैं, अगर कोई भी डॉक्टर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता तो वो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स प्रायर टू एंट्री इनटू मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया प्रायर टू ज्वाइनिंग अ मेडिकल कॉलेज ओवरसीज। मतलब जिन्होंने स्कूलिंग 1 से 12 की इंडिया में की है और जो बाहर MBBS करना चाहते हैं उनके लिए ये क्राइटेरियाज है। टोटल ऑफ 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट सेकेंडरी और इक्विवेलेंट ड्यूली रिकॉग्नाइज बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। यानी कि आपने 1 से 12 की पढ़ाई इंडिया से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के अंडर खत्म की होनी चाहिए। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज MBBS और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अब ये जो क्राइटेरिया है वो उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने स्कूलिंग भी बाहर से की है और MBBS भी बाहर से किया है। इस पॉइंट पे फोकस करना है, ये क्राइटेरियाज अब किसके लिए होंगे, जिन्होंने स्कूलिंग यानी कि 11 12th भी बाहर से किया है आउटसाइड इंडिया, उनके लिए ये क्राइटेरिया है। इन केस अ पर्सन हैज स्टडीड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री वेयर ही हैज कंप्लीटेड हिज मेडिकल एजुकेशन ही शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया प्रोवाइडेड He has completed at least 12 years of schooling with science subjects physics, chemistry, biology in English medium। मतलब कि 1 से 12 अगर आपने इंडिया के बाहर से भी किया हो तो भी आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन हैज अंडरगॉन मिनिमम ऑफ 4.5 ईयर्स, मतलब कि 54 मंथ्स of theoretical and practical training for acquisition of primary medical qualification, undergraduate medical training MBBS after 10 plus 2 educational structure with an additional 12 months of internship or clinical clerkship after qualifying in the country where the medical qualification has been awarded। The MBBS education must have been in English medium। मतलब
अभी जैसा इंडिया में है 4.5 साल का MBBS, वैसा ही आपको 4.5 साल का MBBS बाहर से खत्म करना है, प्लस 1 साल की इंटर्नशिप ऐड करनी है। और इंटर्नशिप भी कहाँ से करनी है, जिस कंट्री से उन्होंने MBBS किया है वहीं 1 साल की रोटेशनल इंटर्नशिप करनी है। ये क्राइटेरिया सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने 11, 12 या फिर 1 से 12 अपना इंडिया से बाहर किया हो और MBBS भी बाहर किया हो। अगर आपने अपना 1 से 12, 1 टू 12 या फिर 11, 12 इंडिया में किया हो और MBBS करने बाहर गए हो तो ये क्राइटेरिया आपको फॉलो नहीं करने हैं, उसके लिए अलग से क्राइटेरिया है। सो क्लियर माइंड बना लो, ये जो मैंने अभी क्राइटेरिया बताए वो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने स्कूलिंग भी इंडिया से बाहर से की है और MBBS भी इंडिया से बाहर की है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर और लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन अ कंट्री वेयर द MBBS और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल डिग्री हैज बीन अवार्डेड बाय दैट फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। द रजिस्ट्रेशन इन देन कंट्री should be valid for at least 10 years. मतलब अगर आपने schooling और MBBS दोनों इंडिया के बाहर से की है तो उसी कंट्री में आपको मिनिमम 10 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एंड नाउ प्रेजेंटिंग यू द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल पॉइंट जिसको देख के सारे FMC डॉक्टर्स हिल गए हैं। अ पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन नीड्स टू क्वालिफाई द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन दैट्स FMGE until the national exit test मतलब कि next becomes operational. The national exit test NEXT examination shall consist of next step 1 and next step 2. For FMGs step 1 will include an additional paper to assess the knowledge of pre and para clinical subjects also. Foreign medical graduates are required to qualify screening tests in India either FMG or NEXT within 2 years of completing the MBBS abroad. ये पॉइंट जो है वो काफ़ी डॉक्टर्स के समझ में नहीं आया है, तो ये पॉइंट जो है वो कहना चाहता है कि जब तक FMG है तब तक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को FMG एग्ज़ाम्स देनी है, उसके बाद जब से नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद सारे डॉक्टर्स को नेक्स्ट देनी है। नेक्स्ट 2 पार्ट में होगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। इंडियन ग्रेजुएट जो है, जो IMGs है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनको सिर्फ क्लिनिकल पेपर देना होगा नेक्स्ट 1 में, लेकिन FMG डॉक्टर्स जो है उनको नेक्स्ट 1 में क्लिनिकल तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ एडिशन में प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की एग्जाम भी देनी पड़ेगी। अभी कोई NEXT यानी कि नेक्स्ट एग्जाम की कोई भी अपडेट नहीं है, तो जब तक कोई अपडेट नहीं आती हमें FMG एग्जाम ही देनी है। जून की FMG तो कंफर्म है, लेकिन इस साल दिसंबर में FMG होगी या नहीं होगी उस पर भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। तो गवर्नमेंट ने NEXT नेक्स्ट एग्जाम 2022 से इम्प्लीमेंट होगा ऐसा आगे बोला था, लेकिन अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज है कि दिसंबर की FMG एग्जाम होगी, लेकिन उसके बाद NEXT अगर इम्प्लीमेंट होती है तो इस स्टाइल से नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 ये 2 पेपर देने होंगे। अब फ्रेंकली बोलूँ तो ये कोविड की सिचुएशन देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2022 में नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन अब डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में है। और जो मेन पॉइंट है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट इन इंडिया आइदर FMG और NEXT विद इन 2 ईयर्स ऑफ कम्प्लीटिंग द MBBS अब्रॉड। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग है एवरी FMG के लिए। अपनी यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट होते हो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको FMG या फिर उस टाइम अगर नेक्स्ट हो तो नेक्स्ट एग्जाम सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर पास कर देनी है। उसमें 1 साल में कितने अटेम्प्ट्स हो गए ये कुछ क्लियर नहीं कहा गया है, ये अभी ड्राफ्ट के रूप में है, अभी कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है। एज ए FMG डॉक्टर आई कैन डेफिनेटली रिलेट विथ योर फीलिंग्स। FMGs के लिए 2 साल की टाइम लिमिट लगा देना काफी कठिन हो जाएगा, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। जनरली हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, अगर हमारे पास टाइम लिमिट है तो हम अच्छा काम करते हैं। या आप अपनी लाइफ में भी नोटिस करो, चाहे असाइनमेंट हो, रीडिंग हो, प्रिपरेशन हो, होमवर्क हो, अगर हमारे पास एक टाइम लिमिट है तो हम उस टाइम लिमिट में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है तो हम उसको
डिले करते जा रहे हैं। ठीक है भाई, पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम है, कभी भी निकाल लेंगे, अभी तो लास्ट ईयर है, एंजॉय करने के दिन है, ये सब बहाने अब नहीं चलेंगे, हमारे पास सिर्फ 2 साल है। तो मैं आप सभी FMGs, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे लास्ट ईयर में हो, सभी डॉक्टर्स को एडवाइस देना चाहूंगा कि अभी से आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब कंपटीशन काफी तगड़ा होने वाला है और मेन पॉइंट जो है ये 2 साल वाला है। आई होप आपको अब ये ड्राफ्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और एडवाइस में यही करूंगा कि चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे लास्ट ईयर में हो, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कंपटीशन ही कंपटीशन होने वाला है। और जो डॉक्टर्स जून की FMG देने वाले हैं उनके लिए मैं रेगुलरली एवरी संडे रिवीजन स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड करता हूं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो पूरी दुनिया के सारे FMGs को ये शेयर कर दो, क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी डिसीजन होने वाला है। कोई भी FMG आपका नोन हो, आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, गर्लफ्रेंड हो, एक्स हो, फर्स्ट ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो, सबको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनकी भी आंखें खुल जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।